आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपके लिए एक ऐसा मौजू लेकर आए हैं जिसके बारे में तकरीबन हर शख्स कभी न कभी कहीं ना कहीं ज़रूर परेशान हुआ होगा। जी हाँ, तो मौजू ये है कि नमाज के दौरान जमाई आना कैसा होता है, अगर नमाज के दौरान जमाई आए तो इससे कैसे बचा जाए, और इसके बारे में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। जी हाँ, तो नमाज में जमाई आना शैतान की तरफ से होता है, क्योंकि जिस्म के बोझल और ढीलेपन और इसकी सुस्ती और नींद आने की वजह से आती है। ये शैतान ही तो होता है जो इस बात की तरगीब देता है कि नफ्स को उसकी शहवात दी जाए और खूब खाया पिया जाए। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में है कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दौरान नमाज जमाई आना शैतान की तरफ से होता है, चुनाचे जब तुम में से किसी को जमाई आए तो वो जहाँ तक हो सके उसे रोके। इसीलिए अगर आपको नमाज के दौरान जमाई आए तो उसे रोकने की मुमकिन हद तक कोशिश किया करें। अल्लाह हाफिज़।